दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और एक बार फिर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे, इस विषय पर मैं आपसे लगातार चर्चा में हूं। तीन वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि SC और DSC मतदाताओं का बंटवारा कांग्रेस की हार का बड़ा कारण रहा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसान, जवान और पहलवान, इस मुद्दे को जितना कांग्रेस ने बनाया इसका भी कांग्रेस को कहीं नुकसान पहुंचा, इसको भी आप इसको देख सकते हैं। और तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन, खासकर सनातन और हिंदुत्व की बात पर चलने वाले हिंदू समाज के मतदाताओं को ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर ध्रुवीकरण होगा मुस्लिम मत की समुदाय के पक्ष में, आप इस तीसरे वीडियो में से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूं कि चौथा प्रमुख कारण क्या रहा जिस कारण को कांग्रेस पार्टी बड़ा मुद्दा बना रही है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से कांग्रेस के अंदर जो है मंथन, चिंतन, निराशा, हताशा और हाहाकार का सा माहौल है। एक बात चल रही है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही थी। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कल, दीपेंद्र हुड्डा का बयान था कल कि 90 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से 74 के अंदर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीती और 16 में भारतीय जनता पार्टी। जब आप रुझान देख रहे थे 8 तारीख को मतगणना के दौरान, तब भी यही लग रहा था कि जैसे कांग्रेस आ रही है, लेकिन उसके बाद जब गिनती बढ़ती गई धीरे धीरे वो आंकड़ा जो कांग्रेस का था वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया और जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो कांग्रेस की तरफ चला गया। और चुनाव परिणाम के बाद से चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे राहुल गांधी हैं, और चाहे उसके बाद में कांग्रेस के जिला, प्रदेश, ब्लॉक, मंडल, तहसील स्तर के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक, सभी कह रहे हैं कि चुनाव EVM ने हरा दिया। सभी कह रहे हैं कि चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था थी, चुनाव के अंदर किसी प्रकार का घालमेल था, चुनाव के अंदर किसी प्रकार का जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन थी उनके अंदर फर्जीवाड़ा था। चुनाव आयोग को भी लिखा है कांग्रेस ने और उसको 20 विधानसभा सीटों की लिस्ट दी, आप देख सकते हैं 20 विधानसभा सीटों की लिस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दी है कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से चुनाव आयोग को। अब बड़ी बात यह आ जाती है कि क्या EVM के अंदर किसी प्रकार की कोई सेटिंग थी। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि जब जिस दिन एग्जिट पोल आए थे उस एग्जिट पोल के तुरंत बाद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थी, नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा था कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारेगी और उसके बाद EVM पर दोष देगी, यानी कि एक स्क्रिप्ट बता दी थी उन्होंने, ये होगा और फिर ये होगा। भाई चला, चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ से सबसे जो महत्वपूर्ण बात चली वो ये चली कि EVM ने हरा दिया। करण सिंह दलाल हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, पलवल के प्रत्याशी थे, मेरी उनकी बात हो रही थी टेलीफोन पर, बता रहे थे कि 8 तारीख को जो गिनती से पहले जो अल सुबह लगभग 40 मिनट तक वो कह रहे थे कि CCTV बंद रहे। इस बात को लेकर के उन्होंने पलवल की जो SDM है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है RO, उनको उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, आप ये देख सकते हैं मोबाइल पर उन्होंने उनको मैसेज भेजा। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कि जो स्क्रीन थी वो स्क्रीन बंद बता रही है, सिग्नल नहीं दिखा रही, नो सिग्नल का मैसेज है, ये भी आप देख रहे हैं। इसके जवाब में जो SDM है, रिटर्निंग ऑफिसर है, ज्योति IAS अधिकारी हैं, वो बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और उन्होंने सारी CCTV की जो फुटेज हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी के प्रतिनिधि को दिखा दी। खैर, कुछ ऐसा ही आरोप बड़खल के जो कैंडिडेट हैं विजय प्रताप वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ स्पेसिफाई एरियाज़ के अंदर, वो कहते हैं कि मतों के अंदर गड़बड़ हुई, वोटों के अंदर, EVM के अंदर गड़बड़ हुई और कांग्रेस कैंडिडेट्स को हराया गया। ऐसी 20 विधानसभा क्षेत्रों की सूची है। एक बड़ी बात आ जाती है दोस्तों, इसके पीछे बड़ी बात ये आ जाती है कि उस सूची के अंदर करनाल का नाम भी है,
उस सूची के अंदर बड़खल का नाम भी है, उस सूची के अंदर परवल का नाम भी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान कह रहे थे कि 99% बैटरी बैकअप दिखा रहा था, जो कांग्रेस के नेता मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन बैटरी बैकअप में ऐसी 70% 60% 50% ईवीएम मशीनें थी कि जिनमें 90% और 99% बैकअप दिखा रहा था और उन सब में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। ये सभी आरोप हैं कांग्रेस के। अब सबसे बड़ी बात एक और आ जाती है दोस्तों कि ये जनता के दिलो दिमाग में या जनता के दिल पे कितना उतरती हैं बातें। ये आप पिछले 3 लोकसभा चुनाव देख लें या विधानसभा चुनाव देख लें या उससे पहले के देख लें, जब चुनाव के अंदर जिस पार्टी के पक्ष में अगर परिणाम नहीं आता, एक आप इसे फलसफा कह लें, एक बना बनाया चल रहा है कि ईवीएम में बताया जाता है कि ईवीएम के अंदर कमी है और अगर उनकी फेवर में परिणाम आ जाता है तो फिर वो चुप्पी हो जाती है। कुछ ऐसा ही हरियाणा के मामले को देख लें। आज से जब 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था तब किसी ने ईवीएम पर उंगली नहीं उठाई थी, लेकिन अब जब हरियाणा का चुनाव विधानसभा का हुआ तो फिर ईवीएम पर उंगली उठी। बड़ी बात आ जाती है कि अगर विपक्ष के नेताओं को, खासकर कांग्रेस के नेताओं को या जो अन्य जो विपक्षी दल हैं उनको अगर लगता है कि ईवीएम के अंदर कोई वाकई खेल होता है, कोई गड़बड़ होती है, तो जब सामाजिक लोगों ने, एनजीओज ने जब सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाई, तो फिर वो उनकी फेवर में क्यों नहीं खड़े होते। अगर ईवीएम में कई गड़बड़ होती है तो फिर वो ईवीएम आखिर कांग्रेस के समय से चल रही थी, आज से शुरू नहीं हुई। यानी कि जो पहले सरकारें थी, 2014 से पहले की सरकारें थी, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम मशीनें हुआ करती थी और अब भी ईवीएम चल रही हैं। उस समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते थे, लालकृष्ण आडवाणी जी कहा करते थे उस समय पर, और अब विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आ जाती है कि बैलेट पेपर और ईवीएम में फ़र्क क्या है। जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करती थी तो ध्यान होगा, जो पुराने लोग होंगे उनको ध्यान होंगी आज भी बातें वो, कि बैलेट पेपर के जो वोटिंग हुआ करती थी उस समय पर बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आती थी। उस समय पर कहा जाता था कि किसी भी बूथ को कैप्चर कर लिया गया और फिर लोगों ने धड़ाधड़ ठप्पे लगाए और वो बैलेट बॉक्स भर दिए। जो मतपेटियाँ हैं उनको लूट करके ले जाना, उनके अंदर कई मामले तो ऐसे आए कि जब उनमें आग लगा दी गई, तेजाब डाल दिया गया, ये शिकायतें भी आया करती थी। उसके बाद जब हुआ करता था तो फिर मतगणना के दौरान शिकायत मिलती थी, आरोप लगा करता था कि जो मतगणना के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं वोट को ख़राब कर देते थे, कहीं वोट पर डबल चिन्ह लगा दिया जाता था, कहीं पेन से स्याही, इस टाइप की शिकायतें चला करती थी उस समय। हम ये नहीं कह रहे थे कि वो शिकायतें वो सही हैं या गलत। और अगर आज जब ईवीएम की बात आती है तो ईवीएम के लिए कहा जाता है, विपक्षी पार्टियां खासकर जो सत्ता में नहीं होती वो कहती हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। अब जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम हैक की गई, या पलवल से जो करण सिंह दलाल आरोप लगा रहे हैं कि उस समय पर सीसीटीवी फुटेज को, सीसीटीवी कैमरास को बंद कर दिया गया, उस समय की फुटेज नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर और आप देख रहे होंगे कई वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, सब तमाम चल रहा है। वो मैनिपुलेटिंग है या वो सच है, हम इस बहस में नहीं जा रहे। वो सच है या उसको बनाया गया है, बनावटी है, इसमें जाए बिना सबसे प्रमुख बात आ जाती है कि अगर वाकई ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के अंदर वाकई कोई परेशानी थी, तो फिर उसी समय पर, मौके पर, मतगणना शुरू होने से पहले शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई जाती। अगर कुछ ऐसा था तो फिर ईवीएम की मतगणना शुरू होने से पहले उन कैंडिडेट्स ने, जहां पर उनको लगा कि 99% बैटरी है, मैं आपको बताता चलूं कि नारनौल और पानीपत, इन 2 सीटों के अलावा पूरे हरियाणा में कहीं पर भी शिकायत नहीं हुई। ये शिकायतें बाद में हुई, मतगणना के दौरान कहीं पर ऐसी बात नहीं आई कि किसी कैंडिडेट ने इस बात को लेकर के आपत्ति उठाई हो कि बैटरी 99% जा रही है। कहा जा रहा है कि मतों की जो गिनती थी वो कुछ मत बढ़ा दिए गए, वोट बढ़ा दिए गए, वोट परसेंटेज बढ़ गया, इसकी शिकायत भी नहीं हुई। कर्नाटक को लेकर के कहा जाता था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए, वहाँ भी ईवीएम की बात आती थी, लेकिन ये कहा गया कि कांग्रेस के लोग जो है वहाँ पर पूरी तरह सक्रिय थे, फॉर्म 17 को लेकर के उन्होंने पूरी जागरूकता रखी थी और इसके चलते कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो हरियाणा में किसने रोका था उनको?
अगर कुछ ऐसा था, उनको लगता था पहले से ही कि अगर ईवीएम में गड़बड़, ये तो हमेशा से शिकायतें आती हैं, तो फिर यहाँ पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। अब इसके बाद में एक बड़ा सवाल ये उठ जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ थी और विपक्षी दल जो खासकर कांग्रेस की बात हरियाणा में होगी, जब भी चुनाव होता कहीं बात आती है, मैं आज हरियाणा की बात ही कर रहे हैं क्योंकि, और मुद्दा मेरा चल रहा है कि कांग्रेस चुनाव क्यों हारी, और मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि क्या उसके पीछे ईवीएम की भी कोई बड़ा मुद्दा था, क्या ईवीएम में भी कोई सेटिंग थी जिसके चलते कांग्रेस हारी या जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उनको हराया गया। अब सबसे प्रमुख बात एक और आ जाती है कि अगर चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस के लोग अगर कह रहे हैं कि 20 जो सीटें हैं जहां का उनका आरोप है कि उन सीटों पर, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते, कांग्रेस के लोग हारे, अगर ऐसी ही बात है, उनको यही लगता है कि इन सीटों पर सब कुछ हुआ था, तो फिर जो कांग्रेस के चुने हुए 37 विधायक हैं उनके बारे में कोई नई रणनीति क्यों नहीं बनाई जाती। चौधरी देवीलाल हरियाणा के विपक्ष के नेता हुआ करते थे, जब भी कभी उनको लगता था कि कोई गड़बड़ हुई तो वो उसके एजिटेशन किया करते थे, लेकिन कांग्रेस की बात अगर आएगी तो अगर वो चिट्ठी पत्री तक सीमित रहें, क्या कांग्रेस इतनी हिम्मत दिखा पाएगी हरियाणा के अंदर कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, वो जो कह रहे हैं कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में फिर से मतगणना हो, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती या लगता है कि चुनाव आयोग को फैसला नहीं ले रहा, तो क्या उस स्थिति में कांग्रेस कुछ इतना बड़ा कठोर कदम उठा सकती है कि अपने जो 37 विधायक चुने गए हैं उनको विधानसभा में जाने से रोके, या उनके सामूहिक ऐसे त्यागपत्र हों कि वो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ना लें। अगर जब एजिटेशन की बात आती है, जब विरोध की बात आती है, तो फिर जनता को दिखता हुआ विरोध ज़्यादा बेटर लगता है, मात्र ये कह देने से कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ थी, ईवीएम से हरा दिया गया, तो ये तो लोगों को लगता है कि जैसे बना बनाया एक जुमला, एक शब्द चलता है जुमला, तो बना बनाया जुमला हो गया क्या। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को लेकर के हमेशा से लगातार आरोप लगते रहे हैं। इस चुनाव के अंदर आप किसी विधानसभा क्षेत्र में जाएं, कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे हैं, उनके पीछे पक्ष एक है, एक तर्क है, वो कह रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को सीट कम मिली और बीजेपी की सरकार बन गई। तो उसके पीछे एक बात और भी आएगी दोस्तों कि आज से 4 महीने पहले तमाम एग्जिट पोल सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था नारा 400 पार का, तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे, और उस एग्जिट पोल के उलट भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई 240, बीजेपी को जो लोकसभा की सीट मिली वो 240 रह गई, यानी कि जो उनका दावा था, जो एग्जिट पोल कह रहे थे, एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे। अब बात ये भी आती है कि एग्जिट पोल क्या हमेशा एग्जैक्ट पोल हुआ करते हैं, क्या सट्टा बाजार से चलने वाली खबरें क्या हमेशा ठीक हुआ करती हैं। अगर एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के तमाम अनुमानों और तमाम कयासों को देखें, जिनको ले करके कांग्रेस पार्टी के लोग अब भी कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल थे उनके उलट बिल्कुल परिणाम आए, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जो सब जगह बात चल रही थी, तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आने का, उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम गए, तो ऐसा पहली बार हुआ क्या। ये बहुत सारे सवाल हैं, और यही सवाल आप पर भी हम छोड़ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि क्या ईवीएम के अंदर कोई सेटिंग थी, क्या कांग्रेस की हार के पीछे ईवीएम भी कोई बड़ा कारण या बड़ा मुद्दा है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या कांग्रेस इसे लेकर के कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।